أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين परेशान हो गए। क्या दम है कि आज
शक्ति के बावजूद इन हमारे हमने अभी अभी मालूम किया है। 1400 साल पहले सहरा में भारत में रहने वाला और उस जमाने में जिंदगी गुजारने वाला जाहिलियत तो जिहाद का जमाना कहा गया था, उसने उलूम को कहां से हासिल कर लिया। पैगंबर इस्लाम की हदीस में रिसर्च की जा रही है कि अल्लाह का रसूल ने इरशाद फरमाया एक वो जमाना आने वाला है कि इंसान सांस लेगा और मौत का शिकार हो जाएगा। ये हवा, ये फजा, ये सांस परवरदिगार आलम की वो नेमत जो हयात इंसानी में इजाफा करती रहती है। इंसान सांस लेगा और उसकी जिंदगी बढ़ती है और अल्लाह का रसूल 1400 साल पहले ये इरशाद फरमा रहा है एक ऐसा जमाना आने वाला कि यही फजा, यही हवा, यही सांस जो बकाए हयात की शामिल है इंसान को मौत की जानिब ले जाएगी। हमारे और आपके जहन अब तक इस मसले की जानिब मुतवज्जे नहीं हुई, लेकिन आज मगरबी दुनिया का सबसे बड़ा मसला, आज यूरोप और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी फजा की आलूदगी या प्रदूषण का मसला, आज उसी मंजिल में मगरबी दुनिया पहुंच चुकी है जिसे उर्दू शायर ने एक कई बयान किया था कि लोग आप अपने काम में सैयार आ गया, उनके कारखाने, उनकी ऐसी तरक्की, उनकी ये ऐशो आराम की जिंदगी सबब बन रही कि उनके यहाँ हवा तक इतनी आर्द्रता हो चुकी या हवा ऑक्सीजन कम हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। आज सांस लेने का मकसद अपनी जिंदगी को कम करना, लेकिन यह आज का मसला। और अब जब अमेरिका को यह पता चला कि ओजोन की वो तल जो सूरज की शुआओं में से कैंसर पैदा करने वाले खतरात को रोक लेती, जो एक फिल्टर का काम करती ओजोन, जो एक छन्नी का काम करती कि सूरज की शुआओं फायदे हम तक पहुंचे, नुकसाना पहुंच जाए। अमेरिका अमेरिका का इलाका हो जहाँ ओजोन की एक तरह खत्म होती जा रही, अब वहाँ सूरज की रोशनी से फिर बढ़ती कैंसर बढ़ता चला जा रहा और अपनी ही हिमाचतों से अपनी ही परतियों से दुनिया के इंतजार हासिल करना, ऐसा ही कमाई की जाने कदम बढ़ाया जा रहा, हरेक को रोका जा रहा। पता चला आज बड़ी कारखाने, आज बड़ी गाड़ियों की कार्बन मोनोऑक्साइड, आज बड़ी किस्म किस्म के ऐसो आराम की चीजें सबक बन रही है कि अमरीका की चिंता तो होती जा रही है कि सांस लोग और मौत बड़ी पानी चली जाए तो मगरबी दुनिया हैरान और परेशान। तो आज 20वीं सदी के आखिर का मसला, आज से 40 साल पहले किसी को यह अंदाजा न था कि दुनिया की फजा में इतनी बड़ी तब्दीली आने वाली है। 1400 साल पहले ज़ाहिरी एतबार दुनिया की कोई फिल्म हासिल किए बगैर इतनी बड़ी हकीकत को बयान कर रहा, अब जाहिर उस जबान से कहीं या न कहीं उनका दिल कह रहा ये कोई ऐसी ही शख्सियत हो सकती है कि जिसके इल्म का शख्सर चश्मा और जिसके इल्म का रिश्ता वही रब्बानी से मिला हो। अल्लाह के रसूल का एक और फरमान जो कि आप इस मसले को मुकम्मल कर देना, इरशाद हो रहा वजू मिन अल जुजाम का तराबे का मियाल फसल, जुजाम ये बस्ती खून को बीमारी है। आज की दुनिया इस मसले पर रिसर्च करके काफी हकायक को मालूम कर चुकी है, मगर 1400 साल पहले पैगंबर की एक हदीस है। अच्छा, अपनी जगह हदीस का वो पहलू भी वाज़े है जो हम और आप समझते हैं, मतलब हम और आप वही के लोग करते हैं जो कुरान की हदीस के कयाम इमाम के कयाम रसूल मुसलसल रिसर्च का हवाला करता। इतने पहलू होते हैं क्या इस जमाने में रिसर्च कर एक नई हकीकत सामने आती है। पैगंबर की हदीस जुजाम या कोड की बीमारी के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं, जुजाम से इस तरह भागो जैसे शेर से भागा जा रहा। अब जब तक ये मौजूदा जमाने की तहकीकात नहीं हुई,
science is not the beginning of teaching. In galaxies, you have virus protection. उस वक्त हदीस का एक मफूद समझ में आ रहा था या क्या था इस बीमारी की खराबी को बयान कर रहा है कि कितनी ऊंची बीमारी कितनी खतरनाक बीमारी लेकिन अजीब बात ये माइक्रो स्कोप का इस्तेमाल या खुदी ये जरासीम और वायरस को देखना और आज के जदीद जमाने 100 साल पहले भी मुमकिन था 50 साल पहले भी मुमकिन था आज और या जुजाम की बीमारी को फैलाने वाले वायरस उसकी तस्वीर को लिया गया तो बस उसकी शक्ल देखी जा रही और ऐसा लग रहा है जैसे शेर की शक्ल नजर आ रही है बिल्कुल शेर की शक्ल का जरासीम या वायरस उस बीमारी को बढ़ा रहा है मगर जब इन हालात उनके सामने 1400 साल पहले उस शख्सियत का फरमान आया जिसके पास न कोई माइक्रोस्कोप इस मगरबी दुनिया के खयाल इसके बाद न कोई वायरस को जरासीम का तस्वर हैरान हो गए आज हमने इस बीमारी की जरासीम को देखा पता चला उसकी शक्ल शेर कैसी है ये 1400 साल का जो मुसलमानों का रसूल इतनी बड़ी हकीकत कैसे बयान कर गया एक खून या जुदाम के बीमारी से इस तरह से भागो इस तरह शेर को देख के भागते हो ये कौन उसको बता रहा है ये कौन उसको समझा रहा है ये वायरस बिल्कुल इस शक्ल का है उनका दिल लम्हा पर लम्हा हर कई तहरीक के बाद सदाकत रसूल की गवाही देता चला जा रहा और हम शर्मिंदा हो रहे शर्मिंदगी का सामना हमें करना पड़ रहा जो हमारा परिंदा था जो हमारी से फैलाई थी जो रिसर्च हमको करना थी जो हमारे दुनिया के सामने हमें पेश करना थे हम तो पानी नाम का कलमा पढ़ से चुप हो गए और समझे हमने अपने रसूल अदा कर दिया और मगरिब बुखार दुश्मन इस्लाम का खात्मा करने की फिक्र करने वाला लेकिन जब इल्म की मंजिल आई तो उसने हजरत रसूल को माना हजरत रसूल को माना और सिलसिला कितना आगे बढ़ा कि दुनिया के 21 साइंसदान एक तरफ जमा हुए हदीस कहते हैं नफ्स मुतफक्किर जहान तशय्यो ये उस किताब का फारसी तर्जुमा कि दुनिया के 21 साइंसदानों की पहचान है कि आज तक दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा आलिम कौन होगा और इसमें कोई मुसलमान नहीं कोई मुसलमान और ये 21 के 21 साइंसदान मुख्तलिफ उलूम के बारे में दुनिया के सबसे बड़े आलिम के बारे में तहकीक करना एक माहिर फिजिक्स का भी बनाओ एक माहिर केमिस्ट्री का भी बनाओ एक माहिर नफ्सियात का भी बनाओ इस मुख्तलिफ लोगों के बारे में दुनिया की सारी तारीख का जायजा लो अपनी तहकीकात में किताब की शक्ल जो फ्रांसीसी जबान में छापी गई फारसी में हमसे होता वकीले जहाने को शहीदों के नाम से तर्जुमा हो उर्दू में उसका खुलासा छपा के इस यूरोपी दानिशवरों की है और सारी तफसीरात को नजरअंदाज करते हुए अशरा मुहर्रम की आखिरी मजालिस रोने का मौका नहीं देते तफसीलात में जाने का मौका नहीं खुलासा यह नहीं था कि जब तमाम शोबों के माहिरीन ने अपनी रिसर्च को मुकम्मल किया तो वो इस नतीजे पर था कि आज तक तारीख यादव में जो सबसे बड़ा आलिम होता और जब तमाम उलूम तक यकसम महारत करता था और रसूल का बेटा फजल साहिब काले मोहम्मद के इमाम रिजा पर इस बात का आलिम ये उनके इस बैन मुसलिम मगर इल्म से मोहब्बत करने वाले साइंसदानों के रिसर्च का खुलासा उसी रसूल का बेटा उसी रसूल का बेटा और इसी हवाले से कल मैंने कहा कि हम कलाम रसूल में क्या बात करें आपस में लड़ने से हमें फुर्सत नहीं उस दुनिया में मुसलमानों का नाम निशान मिटाया जा रहा लद्दाख में इसराइल के मसाले पर उठे जा रहे हैं कश्मीर में हमारे मुसलमान भाइयों की इज्जत तो आपको खबर है और हमारी सारी कोशिशें एक दूसरे के खात्मा करने में लगी हम क्या रिसर्च तैयारी करें उस पैगंबर के कलाम पे क्या कवर कर दे इसके टिकट के टुकड़ों पर जुल्म करने से मुसलमान को तो सर नहीं वो मुसलमान कलाम रसूल की असमान को क्या समझेगा जो औलाद रिसालत की असमान को न समझ सका इसकी जिंदगी का मकसद यही रहा तो
पैगंबर की मोहब्बत आपके रिसालत का हासिल करा सके, इसी तरह उनका नाम निशान में डाल देना। लेकिन नहीं नहीं, ऐसे लोग मुसलमानों जिन्हें के साथ सहे कि कलमा रिसालत पढ़ने का हाला नहीं हो सकता जब तक के औला रसूल से मोहब्बत न की जाए। मैं खैरात की अकीदत और तहसीन पेश करता हूं। मुबारकबाद के उस तरह से हमारे बच्चे ये जवान तो हर मजलिस के अख्तिताम पर मातम हुसैन के लिए हलका बनाते हैं, जो अपने घरों को भूले हुए, जो अपने आराम को भूले हुए, जो अपने दिमाग की मशगूलियात को भूले हुए, जो अपनी जरूरियात जिंदगी को भूले हुए, आपका का मातम करना, मौला का मातम करना, मौला का वक्त रोजे के मांगे हुए हैं, एक आज की रात मातम है, कल की रात मातम, फिर तो असीरों का मातम, फिर तो कैदियों का मातम, फिर तो करबला की सैलानियों और बीवियों का मातम। लेकिन हमारे लिए मौजूदा आखिर क्या इस्माइल को दे दिया था, ये मातम की नौजवान, ये लगातार ये इसका ये हमारे साथ को कौन सा चलना हो, क्योंकि मैं ऐसो आराम की जिंदगी छोड़ के यहाँ लगा हुसैन का मातम करता, कौन सा जज्बा कि वही अपने रिसालत की अदायगी। और एक बात नहीं यहाँ पे बता, दुश्मन जब शिया और सुन्नी को आपस में लड़ाता तो उसे न शिया से मोहब्बत है न सुन्नी से, उसका मकसद सिर्फ यह है कि इख्तिलाफ पैदा हो जाए, मुसलमान आपस में लड़े, तो अभी उसका मकसद पूरा तो नहीं हुआ। उसने इसके बाद बरादरान अहले सुन्नत को आपस में लड़ा दिया, ये बरेली के मुर्दियों पर नहीं, और उसके बाद वो हमारी जाने को समझते हुआ शियों में मुख्तलिफ फिरते और इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश की। और जब तक दुश्मन की बातों को बराम करने समझते रहे हमारा दुश्मन कामयाब होगा। मसलन एक अजीब तस्वुर हमारे दरमियान ये पैदा कर दिया गया कि अगर कुछ शख्स मिंबर वाजिबात इस्लामी और गुनाहों का तस्करा करता तो शायद वो अदाकारी के खिलाफ बेमा बनगा, शायद वो मानून के खिलाफ बेमा बनगा। यह एक तस्वुर याद गया कि अगर हमारे बच्चे और नौजवान मातम कर रहे हैं तो बस उनका मकसद यही है कि इसके बाद मैं नमाज का रोजा, इनको बतें तो हमें इस तरह से पहले मुसलमानों को शिया और सुन्नी के दो अलग अलग फिरकों में तकसीम किया, बरादरा ने ऐसे सुन्नत को मस्जिद फिरकों में तकसीम किया, इस तरह हमारी इज्तिमाई ताकत को तोड़ा जा रहा, एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानियां पैदा की जा रही। जरा सोचिए अगर ये कहा जाए कि नमाज वाजिब, तो इसमें कहां से ये पहलू निकल आया कि मोहब्बत अहले बैत की कभी करो या अदाकारी को छोड़, अदाकारी हमारी खुदा के खयाल। इमाम खुमैनी को किस्सा से रहो मुसलसल इरशाद फरमा रहे हैं कि पहले से इस्लाम बचा तो जिक्र हुसैन से और आज भी इस्लाम अगर महफूज रहेगा तो इसी अदाकारी के करबला से। कोई वाजिब, कोई मुश्किल है, कोई आदि, कोई कभी कभी भी आपको ऐसा जरा कभी जुमला नहीं मिलेगा जो अदाकारी के मुहारे पर जाता हो। हमारे इमाम का जवाब अकीदत हमारे मुबारकबाद के मुस्तैक हैं कि इस तरह से आके फातिमा को उनके लाल का पुरस्कार दे रहे हैं। और मैं इनको बता इनका मकाम कितना बलंद, इन्हें भी अंदाजा ना होगा कि जिस वक्त ये हुसैन मजलूम का मकाम करते हैं इसका मकाम कितना बलंद हो जाता है। और मिसाल भी मैं दे रहा हूँ एक मर्जी और हफी तो के काम का सबूत यही बिजली उलमा मुश्किल है, जंजीर के मातम के खिलाफ, पंजाब के मातम के खिलाफ, सदाकारी के खिलाफ। अब तो उर्दू में भी वो किताब छप चुकी जो फारसी में छापी गई थी, पहले अदाकारी तरतीब दाने पर जबिया की शिया हमारे 164 मुस्तहदीन के फतवे आपका मातम, जंजीर का मातम, अदाकारी छवि बरामद करना सुलझना और जरा देखिए साबित आदि करेंगे सारे मराठी सारे मुस्तैदीन जरा की सहमत उठा ये किताब खरीद कर मुस्तैदीन के पद में देखिए मैं दुश्मन को कहने का वादा न ले रहा हूँ जब हम शिया उलमा या मुस्तैदीन माजल्ला अदाकारी के खिलाफ अदाकारी के खिलाफ हमारा नायब इमाम हमारा मर्जी हमारा मुस्तैद अदाकार हुसैन का मकाम इतना फलन समझता ये मरहूम एक मशहूर वाकया नायब इमाम हर एक के दिल में
हुसैन का पातन भी होता है और नमाजी भी होता है, तो किस बिना ये भी इबादत वो भी इबादत, दोनों के अंदर हमारे नौजवान को आगे बढ़ के इसका देना। अगर यशरे के दस ज्यादा से ज्यादा याद करता हूँ हुसैन, ज्यादा से ज्यादा पातन करता हूँ, आखिरी आखिरी में मौला अब आपके तरफ तरफ सबको रहे सारे आइंदा जिंदा रहे खाने में जमा होकर मातम करें। लेकिन यकीन है कि अगर इस दुनिया से रक्षक भी हो गए तो कब्र कयामत में हुसैन का मातम जारी रहेगा। हुसैन के मातमियों में हम शामिल रहे, हमारे लिए खेली बहुत हम हुसैन का मातम कर रहे। मगर मगर करबला का एक ऐसा शहीद है कि जिसका मातम हुसैन कर रहे हैं, तो बड़ा अजीब शहीद है करबला। करबला के हर शहीद की मंजिलत अपनी करवा, लेकिन आज जिस शहीद का तस्करा कर रहा अजीब खसूसियत है उसे शोधा इसका करा। इसी शहीद की शहादत की खबर हुसैन ने यह नहीं कहा कि मेरी कमर टूट, हुसैन कौन, हुसैन इमाम बाप, हुसैन इमाम सलमाना, हुसैन का किसी की मौत की खबर सुन के ये कहना मेरी कमर टूट गई। वो कौन है इमाम ने वक्त से महसूस कर रहा है कि मैं कमजोर हो गया। वो है मुश्किल मुशायद कायनात का बारिश से हाफिजी अब्बास। इससे पहले के मसाइल की मंजिल में आगे बढ़ू या खसूसी गुजारिश, आज आठ मुहर्रम की इस मजलिस के बाद चले जाओ अब्बास से अलमदार का निशान बराबर हो और अब्बास के मातम करने वालों से यह खसूसी दरखास्त की जाती, अपील की जाती है कि ये शरीर अदाखाने के आगे से बराबर हो और पहले से बराया इस मिंबर रसूल तक पहुंचाना हो या खास अपने जब पैरों पर इस्लाम के पास जा रहे हैं यहां आता हो और उसके बाद जहां से फिर ये शरीर और निशान आपके दरमियान दर्श करेगा। मंतजरी ने कराम की खसूसी गुजारिश कि शुरू में जिस वक्त शरीर को लाया जाए निशान ने हत्या मिंबर की जाने खाए तो बहुत तेजी के साथ की निशान की जाने खाए आप अपराध को दौरान उसके करीब ना उसे जुमे नहीं उसकी जियारत न करें बल्कि रास्ता दे। उसके बाद जब मिंबर के करीब के निशान पहुंचाए और फिर आपके दरमियान की जियारत कष्ट करें तो आप इसकी दूर से जियारत कर लीजिए। लेकिन आपके वक्त मिंबर की तरफ आपके वक्त खसूसी अपील है अब्बास का आपका वास्ता लेकर मंतजरी ने कहा कि आप हजरात रास्ते में स्वागत करिए। अब्बास करबला का वो शहीद इसके बारे में अक्सर ये जुमला कहता हूं कि अगर लिबैक का घराना कायनात का मुश्किल पूछा तो अब्बास पहले बैत की मुश्किल पूछा। अब्बास सैलानियों के दिल का सहारा, अब्बास बच्चों के लिए खारस, अब्बास हुसैन की कम मसूल किए हुए, अब्बास मेरे मौला खुदा की बारगाह से इसीलिए मांग कर लिया था कि करबला में अली का कोई वारिस तो होना चाहिए, करबला में अली का कोई जानशीन तो होना चाहिए। मेरे मौला अब्बास ये मसाइल बयान करने से पहले मरहूम मौलाना सैदी साहब कबीला के अजमान जरा सा पस मंजर पर हुक्म मौलाना अपने मसरूर सरकार अब्बास की माँ उम्मुल बनीन के हालात बयान करते हैं कि शादी कैसे हो। मक्कल और तारीख की किताबें अपनी जगह लेकिन पतीब आने मोहम्मद के अजमान एक दिन आया मेरे मौला जिन्हें परवरदिगार उस वक्त तक हसन और हुसैन और मोहम्मद हनफिया जैसी औलादें थी तो साल एक दिन आया मेरे मौला अली अपने बड़े भाई अकील को बुलाया। अकील आज भाई ने खड़े होकर इससे बात किया। अकील ने घबरा के कहा तुम इमाम पास हो, तुम इस तरह से मेरे लिए खड़े ना हो,
कहा कि आज मैंने इमाम की हैसियत से बुलाया ही नहीं, आज तो मैंने इस हैसियत से बुलाया कि बड़ा धन बाप की जगह पे उठा, एक ऐसा मसला कि आपसे मशवरा लेना, और मसला ये कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बहादुरी का एक वारिस हो या नशीन पैदा हो, भारत के किसी ऐसे कबीले का पता बता दी कि आप शादी करूँ तो मुझे अपना वारिस हो या नशीन मिल जाए। अकील निकाली तो भारी शादी का मसाला है, और शादी भी ऐसी जिसमें तुम्हें अपना वारिस कर या नशीन क्या कर, एक ग्राम को विचार करो तब जवाब दो। मेरे मौला ने कहा कोई बात नहीं, अगले दिन अपनी वापस आ रही है। अब इस मशवरे से बस रहे थे बहुत ज्यादा, इसी अदा खाने की तीसरी मजलिस मैंने थोड़ा बहुत तस्करा किया, लेकिन इस वक्त वाकया का सरसरी बयान अगले दिन अपनी लाल। और एक मरतबा कहा है मैंने सारी रात अरब के कबाइल के हालात में गौर किया, यह कबीला का इतना तो इतना बहादुर कबीला था कि अरब के नौजवान अपने कलमा पे इस कबीले का नाम लेते हैं। ऐसा कबीला कि इसकी शजा तस्लीम शुदा क्या तुम्हारा रिश्ता हो जाए तो मुझे यकीन है काबिल कि तुम्हें वैसा ही बेटा आता होगा जैसा तुम चाहते हो। तो आपके अगर ये बात तो रिश्ते बुजुर्ग कह जाते हैं, खानदान में इस वक्त आपसे ज्यादा बुजुर्ग कोई नहीं, आप मेरा रिश्ता ले लेगा। यह कबीला इतफाक के उस जमान मदीने के करीब 10-12 मील के फासले पे मुकीम था। खाना बदोश कबीला मदीने से 10-12 मील के फासले पे मुकीम अपील चले कबीले में दाखिल। छोटा सा कबीला सरकार कबीला ने इस्तेमाल किया, और जब तरीका होता है कि मेहमान को सारू मेहमान का नाबू बाकी ना बाकी कौन अपनी खानदानी को सुंदर भी बताना चाहिए का अबू तालिब का बेटा कौन अबू तालिब तो अमीर मक्का तो बैतुल बलद था, जो मारी से काबा था, जो मारी के हरम था, जो साहिब जमजम था वो अबू तालिब था। कि हाँ एक मरतबा सरदार सबों ने पेश कर मेरी खुशकिस्मती अबू तालिब का बेटा और मेरे कबीले ने मेहमान बन गया, सारे कबीले को आवाज दी, नौजवान निकल गया, उधर खुशी के आलम में आए। अबू तालिब के बेटे का शानदार इस्तेमाल किया गया, इसलिए कि दुनिया उस वक्त का मध्य अबू तालिब को जानती थी। अकील को अबू तालिब का बेटा समझकर 3 दिन तक इंतहा शानदार तरीके से मेहमान रखा गया। उसके बाद सरदार ने कहा कि मौला अगर गुस्ताखी न हो तो क्या ये पूछ सकता हूँ कि आपने सहमत क्यों की। कहा कि सरदार क्या तू मेरे कबीले को जानता हूँ, मेरे खानदान को जानता हूँ। सरदार घबरा के कहकर कहा अजीब बात की है, कौन अंधा होगा जो आपके खानदान की अपना जानता हो। अब तालिब का खानदान दुनिया में इससे ज्यादा मौसम और मुकर्रम खानदान कौन सा खानदान। कहा बस मैं ये चाहता हूँ कि अपने खानदान का रिश्ता मेरे कबीले में कर। मैं तो खुशी से आ गई इसका रिश्ता लेके आ गई। कहा कि मेरा छोटा भाई अली अली का नाम सुना। सरकार को कानों में यकीन नहीं आ रहा, इतना तरह दोबारा फरमाइए कौन सा नाम आपने लिया। हाँ मैं अपने भाई अली का तस्करा कर रहा हूँ, अली वो जो मौलाए का यहाँ वो जो अमीर मोमिनीन है, वो जो इमाम मुत्तकी है, वो जो वारिस के रसूल है, वो जो खौले रसूल है। यकीन नहीं आ रहा, बार बार कह रहा मुझे धोखा तो नहीं हो, मेरे जान तो नहीं हो, ये अली का रिश्ता। बाप ने कहा हाँ मैं बड़ा भाई हूँ, अपने छोटे भाई अली का रिश्ता लेके आया हूँ। कहा देर किस बात की है, मेरी अपनी बेटी मौजूद है, मैं इस रिश्ते में राजी हूँ, औरत ये निकाह हो जाना चाहिए। कानून इस्लामी अपनी जगह, शरीयत का हुक्म अपनी जगह, पहले लड़की से पूछना पड़ेगा, जब तक वो अपनी ना हो शादी नहीं हो सकती है। सरकार ने अमीला घर में आया, बीवी ने देखा आज मेरा शौहर बहुत खुश बहुत खुश, जब क्या बात आपके पास पता नहीं सकता, इतनी खुशी रहते हमारी बेटी का रिश्ता आया। अच्छा उम्मुल बनीन की वालिदा समझी शायद किसी बड़े कबीले के सरदार का रिश्ता आया, शायद किसी बड़े शेख का रिश्ता आया, और शायद किसी छोटे मोटे मुल्क के शहजादे का रिश्ता आया। बात सताओ तो सही, ऐसा रिश्ता कौन सा है कि तुम्हारे कदम जमीन पर टेक नहीं रहे हैं। आप नहीं इस तरह कैसे पता, पहले वजू करके शुक्राने की नमाज पहले पढ़ लो फिर बताओ किसका रिश्ता आया। अब मोमिना हजारों परेशान नमाज पढ़ दिया, अब तो बता दो किसका रिश्ता आया। कहा मालूम है
अभी का रिश्ता हमारी जिंदगी के लिए आया, मोमिना को यकीन नहीं आता ये कैसे हो सकता जो मोहम्मद का दामाद हो वह हमारा दामाद बने। अरे हम इतने खुशकिस्मत कैसे हो सकते हैं, बाकी कहीं नहीं कोई गलत फहमी नहीं है। अली ने बड़े भाई को चल दिया मशवरे की तारीफ की जा जरूरत वो कहते हैं पहले लड़की से पूछना पड़ेगा कि शरीयत का कानून है कि इस्लाम का होगा। सहेलियों को बुलाया गया, हमसे बच्चियों को बुलाया गया, वो फातिमा के साथियों को बलीन कहता और उनसे पूछा गया रिश्ते के बारे में। फातिमा ने उनको बलीन यही जवाब दिया कि मेरे रिश्ते का इख्तियार मेरे माँ बाप को, मैं इस मसले में क्या बोलूँ। अलबत् कल रात को मैंने गजीब खाब देखा, मैंने देखा कैसे प्रक्रिया थी अपने हाथ से मुझे दुल्हन बना दी, दुल्हन बनाने के बाद मेरी पेशानी को गुस्सा देती मुझे कैसे लगा दी। मैंने पूछा बीबी आप इस तरह से मुझसे सारे मोहब्बत क्यों कर रही काशी, तू मेरे बेटे अब्बास की माँ बनने वाली। मैंने घबरा के पूछा बीबी आपका नाम क्या, तो मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा और मेरा बेटा बाप मेरे पति से होने वाला। बस ये बात सुनना शादी के इंतजाम फौरन हो निकाह की तकरीब अंजाम था। फातिमा एक तलाकी उम्र बनी जो बात नहीं कर रहा अपने वालिदैन के घर से रुख्सत हो मदीने के महले बनी हाशिम में आ लो पैरा रखो 12 बरस का बच्चा भी यहाँ ना आने पा रहे अली का हरम आया अली का नामूस आया है सब तरकीब खेले उम्मल अली को सवारी से उतारा गया। मेरे मौला ने अपने हुजरे की जाने खुजवाया मगर उम्मल अली अली का दरवाजा नजर आया चौखट पर बैठ गए। पहले तो शुक्र का सिस्टा किया चौखट को भूसा किया असा का हुसैन अब माँ आप यहाँ कहाँ बैठी है घर में तशरीफ लाइए। सैनब को कुलसूम आई अब माँ आपकी ये जगह नहीं है आज ये मस्जिद पे तशरीफ फरमा होगी। और इधर हसनैन ने अम्मा कहते मुखातब किया सैनब और कुलसूम ने माँ कहते मुखातब किया उम्मुल बनीन का जिसे प्राप्त होता शहजादों शहजादियों मुझे माना कहना मुझे माना कहना तुम्हारी माँ तो फातिमा सहरा थी मैं तुम्हारी माँ था मैं तो तुम्हारी अदन शरीर हूँ घर के कामों के लिए आई नारायण साहब बने के लिए आई मुझे माना कहना शहजादियों मोहब्बत की इंतहार कर दी उम्र बनी ने अकीदत की इंतहार कर दी। एक साल गुजरा मेरा मौला मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा घर से पहला कर यानी मुबारक हो उम्र बनी के जरिए आपको बेटा का हुआ। मेरे मौला ने बड़ी बैठे बैठे पहले तो शुक्राने की नमाज अदा की और उसके बाद पहले शर्म में आ गई उम्र बनी के होने में माँ के पहलू में बच्चा बेटे को अपनी गोद में ले मगर उम्मुल बनीन को बहुत परेशान था घबरा के पूछा क्या बात बेटा हुआ क्या खुशी नहीं है। खुशी तो है लेकिन परेशानी क्या है कि जब से बच्चा दुनिया में आया उसने आगे नहीं बोली। मेरा बोला मुस्कुरा ये परेशानी इससे पहले भी किसी खातून को हो चुकी जब बिनते असद खाने खुदा में थी वहां भी यही मसला था वहां भी यही परेशानी थी बेटा दुनिया में आया आपसे नहीं सो रहा। मेरा मौला मुस्कुरा कहा तेरा बेटा मुझे पता कि किस तरह से आपसे छोड़ेगा गुलाम से कहा जाओ और मेरे हुसैन को बुला देना। बाप का पैगाम हुसैन को मिला हुसैन आज बाबा क्या बात एक मरतबा नहीं अभी बच्चे को कुछ देखा कि नहीं है हुसैन की आपोश में किया बेटा तुम्हें नन्ना भाई मुबारक हो बाप की तरफ से अजमिया को बाते हो बच्चा हुसैन की गोद में गया और यहाँ से मरहूम मराना कहते थे बच्चा हुसैन की गोद में जा रहा हो आपके बाद में जो नहीं नन्ने नन्ने हाथ पहले फैला दिए शायद ये गया आपका आपको नजराना तो आज ही से कबूल कर लिए। हुसैन की गोद में बच्चा आया जैसे ही आपको हुसैनी ने पहुंचा बच्चे ने एक मतलब आंखें दो और आंखें खोल कर दुनिया में सबसे पहले हुसैन के चेहरे की दिया रखी बच्चे जुमला याद रखिएगा आज सूर्य की सेवा है अब बात की इतनी मसीहत तो थी आप
आखिरी जियारत भी आखिरी करना चाहता हूँ। पहली जियारत हुसैन के चेहरे थे, हुसैन की गोद से अली ने बच्चे को अपनी वापिस लिया, चेहरे को देखा और कहा हाँ है तो वैसा ही जैसा मुझे ज्ञान है, खुद मेरा मारे मेरा ज्ञान शरीर वो बहु अली की शरीर मेरा ये वो बच्चा है इसके लिए रसूल मुझे पहले से बता गए थे और ये भी कह गए अली तुमने बेटा पैदा हो तो इसका नाम अब्बास रखना, अब्बास एक कान में अजान करो एक कान में अकामत करो, लेकिन अब्बास को नाम दिया सैनब ने सुन लिया शहजादी बाबा मेरे जीवन का नाम अब्बास बाबा मेरा ये वही भाई है जिसका नाम अब्बास नहीं मेरे इसी भाई का नाम अब्बास इसी का नाम अब्बास तो बाबा एक कमेंगे कि मेरे फोन में तो दीजिए बड़ी बहन ने छोटे भाई को फोन दे दिया और खुदा भाई के कान से मुंह रख के क्या कहने लगे अली मुस्कुरा सैर पे भी क्या बात नन्ना भाई अपनी दुनिया में आए क्या बातें कर रही हो बाबा कोई बात नहीं कोई बात नहीं एक अमानत थी जिसे अदा करना कौन सी अमानत फातिमा जब दुनिया से जा रही ग्यारह हिंदी की रात जब शैतानी दुनिया से जा रही सैनब कहती अम्मा ने मुझे बुलाया कहा था सैनब तेरा एक भाई अब्बास पैदा हो जब अब्बास पैदा हो तो अब्बास का कहना अब्बास फातिमा तुम्हें सलाम अम्मा का सलाम पहुंचाया अम्मा का सलाम अब्बास अब्बास कितने मुश्किल हमारे सामने एक और रिवायत अब्बास के तफसीली हालात बयान करने को दिल चाहता मगर कम सुन के राह कर रहा बस एक रिवायत सुन गई और अंत मसाले गाने वाले करबला बयान करने वाले बयान करते ये एक मरतबा ने देखा महल पर याशिम का दरवाजा खुला एक सिया पोष लेकिन बीवी महल पर याशिम से बाहर और उस खबर में गई जिसको शहजादी के खबर फातिमा के खबर अपने आप को जाकर अपने फातिमा पे गिरा दिया और अभी जुमला का शहजादी मैं आपको आपके बेटे अब्बास का गुस्सा देने आई मैंने किसी से पूछा राबी कहता ये कौन आप पूछ आप मुझे नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम ये अली की बेवा ये अब्बास की माँ इनका नाम उमर मनीन है उमर मनीन बेटे का गुस्सा लेकर अपने स्वारा पे जा रही है और कह रही है शहजादी मुझसे अपने बेटे का गुस्सा लीजिए अब्बास एक मरतबा उमर मनीन ने चेहरा उठाया और एक अजीब हकीकत हमारे सामने आई चेहरा उठाया करबला का रुख किया आवाज थी मेरे लाल अब्बास मेरे शेर अब्बास दुनिया में एक साथ आती और मुझे गुस्सा देती मैं उमर मरीन से अब्बास मारा गया लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कौन मेरे अब्बास को मार सकता मेरा अब्बास शेर मेरा अब्बास वाली से शेर घोड़ा मेरा अब्बास इतना शुजा मेरा अब्बास इतना बहादुर मेरा अब्बास इतना ताकतवर मेरी माँ को यकीन नहीं आता दुनिया गलत है मेरे अब्बास को कोई नहीं मार सकता लेकिन अब्बास कौन मेरी माँ यकीन कर लेती है मेरा अब्बास मारा गया मेरा अब्बास मारा गया मेरा अब्बास दुनिया में नहीं रहा और बाप जगह क्यों अभी माँ को यकीन नहीं आ रहा अभी माँ यकीन कर रही है जुमला सुनिए कहती अब्बा जब मैं सुनती सकीना के तमाचे लगाए गए जब मैं सुनती आदिले के ईमान के फोड़े मारे गए जब मैं सुनती हूँ सैनब की चादर को छीन लिया गया अरे मेरा बाप जिंदा होता तो सकीना के तमाचे कम लगा सकता मेरा बाप जिंदा होता तो किसने ये जरूरत थी कि आदिले के ईमान के फोड़े मारता अब्बा अगर तू होता तो सैनब की चादर को कोई नहीं छीन सकता था आदि उम्र मदी ही को अपने बेटे पर इतना इतमाद कर करबला में चले हुसैन भी यही कह रहे सैलानियां भी यही कह रहे सैनब भी यही कह रहे नंगे नंगे बच्चे भी यही कह रहे जब तक अब्बास है किसी को परेशानी नहीं है कोई
فکر مت ہے مرحوم فیضی صاحب اکثر یہ روایت فراہم کرتے ہیں کربلا کی شب عاشور آپ کربلا کی شب عاشور ساری سیدانیاں ساری بیویاں ساری محترمہ قسمت ایک مرتبہ جمع ہو کر زینب کے سینے میں آئی زینب نے دیکھا کیا بچ رہی ہیں بہت پریشان نہ رہی بہت گھبرائی بھی نہ رہی ساری بیویاں کہتی ہیں شہزادی ہم صرف ایک سوال لے کے آپ کے پاس آئے اس کی فرمانے ہر قربانی کے لیے تیار اتنا بتا دیجیے کل ہماری چادریں میں پور رہیں گی یا نہیں بس اگر فکر آئے تو اپنے بندے کی سلا دیجیے ابھی میں کچھ نہیں کر سکتی ابھی آپ کی یہ ہے کہ زینب دینے سے نہیں اب بات کرتے میں داخل میرا مولا باپ سردار کو سیتن کر رہا شہزادی کو آ کے دیکھا گھبرا کے کھڑا ہو گیا ہاتھوں کو جوڑا شہزادی آپ نے تو گھر کے غلام کو بلا لیا ہوگا غلام کو بلا لیا ہوگا زینب نے کہا باپ میرے بھائی اب باپ میں صرف اس لیے تمہارے پاس آ رہا کہ بیویاں مجھ سے پوچھ رہی ہیں بندے محفوظ رہیں گے چادریں سلامت رہیں گی اتنا بتا دو میں ان بیویوں کو کیا جواب دوں عباس نے کہا شہزاد جب تک آپ کا غلام عباس زندہ ہے کسی کی چادر کو خطرہ نہیں کسی کے بندے کو خطرہ نہیں ہے زینب کے پاس اس پر صرف اتنا سنا یقین ہے میرے عباس کو کوئی نہیں مار سکتا واپس آ اے بیویوں اے سیلانیوں علی کی بیٹی تم سے وعدہ کر دیا ہے تمہاری چادر مگر عباس نے کہا اور باب ادا ابھی 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے زینب کو اپنا وعدہ واپس لینا پڑ رہا علی کی بیٹی اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے تب جب کربلا کس سے بہرا گئی آسول کس سے بہرا گئی اور کیسے سے بہر صبح سے خراب شروع ہوا دنیا کا ایسا حافظ جمیل ہے ابا دنیا کا ایسا حافظ جمیل ہے جس نے 72 کے چھوٹے سے لشکر 30,000 کی بڑی فوج سے لڑایا اور صبح سے شام ہو گئے دنیا کا حافظ بڑی جمیل لیکن صبح سے بار بار حسین کے پاس آتا آج پور میں کہتا ہے آپ سب سے پہلے مجھے مرنے کی اجازت ملی اور خصوصاً جب جوانا نے بنی ہاشم کی باری آئی اکبر تلاشا آیا آصف کے جسم کے ٹکڑے آئے مانو محمد تلاشا آیا تڑپ تڑپ کے میرا مولا پاس جاتا ہے آقا اس کے سارے ہوا کے راشے اٹھائے نہیں جا رہے ہیں آقا اپنے شاگردوں کے راشے اٹھائے نہیں جا رہے ہیں پہلے مجھے مقصد میں جا رہے ہیں اور ہمیشہ حسین کریم کی جواب اب آپ ان کو میرے لشکر کے الگ کو تو میں کیسے مکتب میں جانے دوں یہاں تک کس سے پہلا اب تو حسین نے کہا اب آپ ان کو میرے لشکر کے الگ اب آپ نے طرف کے فریاد کی لیکن آپ اب وہ لشکر کہاں رہا اب وہ لشکر کہاں رہا اس کا میں الگ تھا میرے پیاسے سے پاس کوثر کے سامنے میرا انتظار کر رہے آپ کو مجھے جانے اور حسین کا جواب تم میرے پاپا کی نشانی تمہیں کیسے اجازت دوں ابا پریشانی کے عالم میں خیمے لے آؤ اور نبی سبھی طرف کیا پھر اپنے پیاسے اور دکھائے چچا کیا کبھی سے پانی نہیں سکتا ہے دیکھیے میں کتنی پیاسی ہوں ابا چھوٹے سکینہ کو اپنی آنکھوں سے لیا سکینہ بیٹی میرے آقا سے مجھے پانی کی اجازت دلوا دے میرا چچا پانی لے کے آ جاؤ گے سکینہ نے سنا بس اتنی سی بات آئی پھر میں آپ کی سفارش کر رہی ہوں میں آپ کی سفارش کر رہی ہوں سکینہ آپ کو لے کے چلے حسین کے خیمے میں پہنچے جیسا بتی حسین نے منظر دیکھا اب باپ سے کہا باپ میں سمجھ گیا ہوں سکینہ کو کیوں لا رہے ہو اب باپ میں سمجھ گیا ہوں اب منع نہیں کر رہا ہوں اب میری اجازت ہے لیکن سکینہ بیٹی ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے بعد میں چچا بہت یاد آئے گا تماچے لگیں گے چچا یاد آئے گا گھوڑے پڑیں گے چچا یاد آئے گا ابھی سفارش کر رہی ہے بعد میں چچا یاد آئے گا اور وہاں اجازت ملی آدم کو لیا بس کو لیا اور آج کی جانب چلنا چل رہی میرے مولا حسین نے آواز دیا ابا کہاں چلے کہاں جا رہے باپا آپ نے اجازت دے دی ہے باپ میں نے اجازت دی ابھی زینب باقی رہ رہے میرے سب کو دے اجازت دے دیا ہو تو سرما پہ لگا ذرا اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچیے اباس کے عمر خان کے پورے لشکر سے لڑنا آسان مگر جوان بھائی گئی زینب جیسی پورے
उसके मकसद जाने से नया नक्शा देखने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सैरत के अच्छे में गया, हाथों को जोड़ा, निगाहों को नीचे किया, कैसा अब अपने अब्बास को इजाजत दीजिए, अब्बास को इजाजत दीजिए। सैरत ने पहले सबसे पहले अब्बास को देखा, पर यह जुटा के था अब्बास, जब मुझे अपना बाबा अली मुर्तजा याद आता था तो मैं तुम्हारा चेहरा देख लेती हूँ। अब्बास शबीह अली, अब्बास शबीह है सलाम है। जैनब को जब बाबा याद आता है जैनब तेरा चेहरा देख लेती है। अब जैनब बाप की जियारत कैसे करे, लेकिन जाओ इस्लाम के लिए ये भी बहुत है। अलबत्ता इतना सुनते जाओ, एक दिन बाबा के पास शहर में बैठे बाबा की निगाह मेरे सर की चादर पर पड़ी, बाबा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा बाबा आप रो क्यों रहे, जवाब दिया सैनब आज कहा शहजादी बन के आई है, एक वो दिन होगा मेरे सर पे चादर ना होगी, आंखों में हंसिया होगी, ऐसी बना के लाया जाएगा, बनवाई आप होगा, तुम्हारा करता वादा करता तुम्हारा करता। मैंने वादा भी किया, मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब फिर वो वक्त आया कि मेरे 18 भाई हो गए और तुम्हारा जैसा भाई हो। मैंने सोचा जिस बहन का एक भाई होता है कोई आंख उठा के नहीं देखता, मेरे तो अब्बास जैसा भाई है, मेरे तो 18 भाई है, लेकिन अब्बास अब तो तुम चल रहे हो। जैनब को यकीन हो गया, चादरें छीनी जा रही है, रस्सियां बांधी जा रही है, पैसे बनाया जा रहा, बनवाया में ले जाया जाएगा। लेकिन क्या खुदा अब्बास चल आना मार्च और तलवार मार के है, और उधर सकीना ने आवाज की बच्चों सुन, तीन दिन के प्यासे हो उससे पानी मांगते थे, आओ पानी आने वाला है। मेरा वो चचा वादा करने गया तो हमेशा वादा पूरा करता है, पानी आने वाला है तो सुबह बुलाया। सुनने के बाद बच्चे पूरे हाथ में लेके खड़े, और उधर उधर एक अजीब जुमला मैंने सुना अपना भी मेम्बर से, शहजादी जैनब के सेने में रिश्ता रिश्ता एक मरतबा करें सीमा हटाया। अब्बास नजर तलवार चल रही लश्कर हमारे साथ बनाने में मिला कर रहा, बस एक मरतबा रिश्ता ने पलट के आवाज शहजादी सहना, जब मैं आपको आपके बाबा का इतिहास सुनाती थी तो आप उससे पूछती थी ना, आप उससे सवाल करती थी ना, इतना बताओ मेरा बाबा बदर में कैसे लड़ा, मेरा बाबा हैदर में लड़ा, ओहद में कैसे लड़ा, मेरा बाबा खैबर में कैसे लड़ा। आइए शहजादी मैंने सीमा पे देखे ये अब्बास जहाद कर रहे हैं, नहीं नहीं ये अब्बास जहाद नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है हैदर कर रहा, खैबर में तलवार चला रहे हैं। आइए शहजादी अपने बाबा का जहाद देखिए, और अब्बास तलवार चलाते हुए मुराद तक पहुंच गए, मुराद में कब्जा एक मरतबा वापिस चले, लश्कर सियादा फासला सियादा, अब्बास नजर आना बंद हो गए। सकीना ने कहा बच्चों बस आलम को देखते रहो, आलम आ रहा है, पानी आ रहा है, आलम आ रहा है, मेरा चचा आ रहा है। और बच्चे देख रहे जैसे जैसे आलम करीब आ रहा वैसे वैसे बच्चे पानी के पूछते हाथों में सवाल करे, मतलब ये क्या बच्चों ने देखा एक मरतबा आलम दाएं तरफ झुका, ऐसा लगा अब गिरा अब गिरा, लेकिन नहीं आलम समझ गया, बच्चों को इंतजार हुआ आलम और आगे बढ़ा, मगर फिर तरफ पर दाएं तरफ झुका, ऐसा लगा आलम अब गिरा आलम अब गिरा, मगर फिर आलम समझ गया, बच्चों को इंतजार हुआ मगर अब जमीन का पड़ी देखा आलम जमीन करबला की तरफ झुक रहा है, आलम गिरा आलम ठंडा हुआ। अब्बास की आवाज आई मौला मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए, मौला मेरा आखिरी सलाम, और इतना सुनकर हुसैन ने कमर को पकड़ लिया, आवाज दिया था आलम एक सलाम सही अल्लाह तुम नहीं मरे, हुसैन की कमर टूट गई, हुसैन की कमर टूट गई, बस बस आखिरी को मिले मेरा मौला दुनिया में सलाम। अब्बास के सराहाने पहुंचा, अब्बास के सराहाने पहुंचा, मेरा मौला हुसैन जमीन करबला पे बैठा, अब्बास के सर को अपनी गोद में लिया, भैया अब्बास
कोई आखिरी वसीयत है। मौला से एक वसीयत, जब दुनिया में आया था तो पहली ज्यारत आपके ही थी, दुनिया से जा रहा हूँ आखिरी ज्यारत आपकी करता है। लेकिन मौला एक आंख में दिल बेवस है, एक आंख में खून जमा है, आप काश मेरे हाथ होते मैंने तुम्हारी मसीहत पूरी करी, अब तुम भी मेरी अफारिश पूरा करो। मैंने जब सुना तुम्हारी जबान से, अब तेरी अफापा को न सुना, तेरी बड़ी तमन्ना है एक बार मुझे भारी कैसे उतार दो, एक बार मुझे भारी करो। अब निकाय को था हुसैन को देखा भारी कहा और दुनिया से रुखत हुए। मेरा मामला अब्बास के आलम को देखा है, एक मरतबा देने में आया तो जैनब को बुलाया, जैनब अब्बास का आलम तुम संभालो और देखो मुझे भी आखिरी सलाम करो। अब मैं जा रहा हूँ, मेरा अब्बास जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। अब्बास जैनब,